Hello everyone, today we are going to start your new chapter and the chapter name is quality. So before you read, can a shoemaker be called an artist? Kya hum shoemaker ko artist bula sakte hain? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Yes, हम बुला सकते हैं अगर उसकी स्किल और जो उसको प्राइड है वो सेम आर्टिस्ट को दी जाती है जो कि बाकी आर्टिस्ट को मिलती है. अगर वही उसको मिले तो उसको भी हम आर्टिस्ट के तौर पे बोल सकते हैं. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. ठीक है, तो मिस्टर गैसलर जो कि एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, वो एक शू मेकर हैं, मतलब शूज़ बनाते हैं. एंड रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. तो यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि वो किस तरीके से शू बनाते हुए अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं. ठीक है, सो चैप्टर नेम इज़ क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन अ शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. तो यहाँ पे ऑथर है, आई का यहाँ पे मतलब है जो कि ऑथर है, वो काफ़ी टाइम से इनको जानते हैं शू मेकर को, दैट इज़ मिस्टर गैसलर को. ठीक है, वो अपने एल्डर बड़े भाई के साथ रहते हैं स्ट्रीट के पास ही जो कि लंदन में है और बहुत ही फैशनेबल जगह या फैशनेबल स्ट्रीट में उनकी शॉप है. द शॉप हैड अ सर्टेन quite distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. तो shop कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उसमें Gessler Brothers करके एक board लगा हुआ है और वहाँ पर जो racks हैं उसमें few pairs हैं. जो window shopping होती है उसमें racks बने हुए हैं और उसमें कुछ पेयर हैं शूज़ के. और जब वो छोटे से देखते आ रहे थे तो उनको हमेशा से उनके जो शूज़ बने हुए थे वो मिस्टीरियस एंड वंडरफुल लगते थे और वो हमेशा वही पेयर्स बनाते थे जब उनको ऑर्डर मिलता था. ठीक है, तभी बनाते थे वो शूज़. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट. इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. ठीक है, एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड. It is an art. ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑथर पूछता है कि ये आपके लिए हार्ड नहीं है शूज़ बनाना, तो वो हमेशा से क्या आंसर देते थे कि ये एक आर्ट है. इट इज़ एन आर्ट. ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. हिज बूथ लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्ररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचड इन टू them. तो उनके पास जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. डिफ़िकल्ट क्यों होता था? क्योंकि उनके जो बूट्स थे वो हमेशा बहुत सालों तक चलते थे, तो उनके बूट्स मतलब उनके शॉप में जाना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता था. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड अ गस्टल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न बैक ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स. ठीक है, और जब वो उनकी शॉप में जाते हैं तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो उन्होंने एक इधर एप्रन पहना हुआ है, उन्होंने स्लीव्स जो हैं वो ऊपर कर रखी हैं. ठीक है, और इस तरीके से उनका फेस दिखाई देता है जैसे कि वो अभी अभी कोई सपना देख के आए हैं बूट्स का. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. तो यहाँ पे ऑथर उनकी जब शॉप में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर. ठीक है, आप मेरे लिए एक रशियन लेदर का बूट्स बनाएंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द shop and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. और वो बिना बोले ही कुछ वहाँ से चले जाते हैं और वो दोबारा से जो ऑथर है वो वहाँ पर एक सीट में बैठ जाता है. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. और बहुत जल्दी ही वो वापस आते हैं लेकिन उनके हाथ में एक गोल्ड और ब्राउन कलर का एक लेदर रहता है. With eyes fixed on it he would remark what a beautiful piece. ठीक है, और उनकी जो आईज़ हैं उस लेदर पर फिक्स हैं और वो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन व्हेन डू यू वांट देम. ठीक है, और जब वो ऑथर भी उस
लेदर की तारीफ़ करते हैं तो जो मिस्टर गेस्लर हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ये कब चाहिए, एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, उतनी जल्दी जितनी जल्दी आप बना सकें, एंड ही वुड से टमोरो फॉर नाइट, ठीक है कि आपको ये कल मिल जाएंगे, और इफ़ ही वो हिज़ एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, ठीक है अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे एल्डर ब्रदर से पूछ लेना। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोल के जब शॉप से निकलने लगता हूँ तो मुझे उनके पैरों की या शूज़ की आवाज़ टिप टैप करते हुए आती है जो कि अब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और अपने बूट्स के जहाँ पर वो बूट्स बनाते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. ठीक है, मुझे याद नहीं है कि कब मैंने मिस्टर गेस्लर को बोला था कि आपके जो ये बूट्स हैं इन्होंने एक तरीके से अब ये क्रीक्ड हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से वेट हो चुके हैं। ठीक है, ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुड ऑल क्रीक्ड। ठीक है, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड themselves, मतलब एक तरीके से वो बिना कुछ बोले एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑथर से कि शायद से ये अपना जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये खुद वापस ले लें, लेकिन वो नहीं लेते। इट डिड आई एम अफ्रेड, लेकिन ये ख़राब हो चुके हैं। यू गॉट देम विद बिफोर दे फाउंड themself, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, जिप देम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे शूज़ ख़राब हुए हैं उसे यहाँ पर रख दो और मैं इनको देख लूँगा। जेम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। ठीक है, और अगर मैं इसका कुछ नहीं कर पाया तो मैं इसे वापस तुमसे परचेज कर लूँगा। वंस आई वेंट एब्सेंटली माइंडेड इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, ही टुक माई ओल्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स। ठीक है, और एक दिन मैंने अपने ऐसे ही किसी दूसरी कंपनी के बूट्स पहन के जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने देख के बोला कि ये मेरे बूट्स नहीं हैं जो मैंने बनाए थे। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ anger nor of sorrow not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. ठीक है, उन्होंने बहुत ही ना ही गुस्से से बोला ना ही सौरों से दुखी से बोला, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात थी उनके बोलने के टोन में कि जो ऑथर है वो एकदम से रुक गए। इड योर यू देयर ही सेड दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो बोल रहे हैं कि दूसरी कंपनी इसके जो एक तरीके से मशीन से बनाते हैं जो बूट्स उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, और वही एक ऐसा टाइम था जब ऑथर ने उनके मेहनत या हार्डवर्क के बारे में उनसे सुना। Days get it all, he said. They gay get it by advertisement, not by work. ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो ये एक मशीन से जो शूज़ बनाते हैं ये लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट से, ना कि अपने वर्क से। They take it away from us who love our boots. It comes to this presently. I have no work. Every year they get less. You will see. ठीक है, मतलब इन्होंने हमारा जो काम है वो हमसे छीन लिया है। ठीक है, क्योंकि अब ये मशीन्स पे निर्भर होने लगे हैं, मशीन से बनाने लगे हैं, तो मेरा काम मेरे से छिन गया है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। यहाँ पे ऑथर को सारी चीज़ें अब दिखाई देने लग गई हैं कि किस तरीके से उनके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं या ग्रे होने लग गए हैं। ठीक है, कितना हार्डवर्क करते हैं वो। ठीक है, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इंप्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली टू ईयर्स। ठीक है, अब
उनके एक्सप्रेशन से, उनके हार्डवर्क से ऑथर इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने क्या है बहुत सारे पेयर्स ऑफ शूज़ ऑर्डर कर दिए, जो कि 2 साल तक उनको शॉप में आना ही ना पड़े। इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडिंग अ पीस ऑफ लेदर। वेल मिस्टर गेलर, आई सेड हाउ आर यू, ही कम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, आई एम रियली वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। ठीक है, यहाँ पे जब वो नेक्स्ट मंथ जाते हैं अपने शूज़ लेने के लिए, तो वो पूछते हैं कि मिस्टर गेलर आप कैसे हैं, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर था उसकी डेथ हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज एंड वॉन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी। यहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरीके से वो सैड में है, फिर भी अपना काम कर रहे हैं, और उन्होंने कभी भी अपने भाई के बारे में नहीं बोला था मिस्टर गेलर ने। यस ही answered, he was a good man, he made a good boots, but he is dead, and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the letter in his hand. It's a beautiful piece. ठीक है, और वो बोलते हैं कि हाँ वो बहुत बीमार था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था। ठीक है, और आगे के बोलता है कि तुम्हें और बूट्स की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक ब्यूटीफुल पीस है लेदर का। आई ऑर्डर सर्वर पेयर्स, इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड। यहाँ पे बताया गया है कि दोबारा से जो ऑथर है उसने काफ़ी पेयर्स ऑर्डर कर लिए थे, एंड सून वो अब्रॉड जाने वाला था। आई वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच एंड वॉन, हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक डाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं काफ़ी एक साल के बाद, जब वो उसी शॉप में वापस जाते हैं, तो वहाँ पे वो उनको अपना ही ओल्ड फ्रेंड मिलता है, और वो पूछते हैं, जो मिस्टर गेलर है वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या और बूट्स चाहिए, डू यू वांट एनी बूट्स। ठीक है, आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर एक टाइप का बूट्स चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन, आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. ठीक है, और जब उनको वो बूट्स रिसीव होते हैं और एक एक करके वो सब पहनते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो फिट हो जाते हैं। ठीक है, और उसी टाइम वो नीचे जाके वो चेक ड्रॉ करते हैं, किसके नाम का, मिस्टर गेलर के नाम का। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन। और काफ़ी टाइम बाद जब मैं, काफ़ी वीक्स के बाद जब मैं उस गली से गुजरता हूँ, तो सोचता हूँ कि उसके मिस्टर गेलर की शॉप में जाऊँ और उन्हें बताऊँ कि कितने अच्छे बूट्स बनाए थे आपने, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो उनका नाम वहाँ से हट जाता है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द शॉप, देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, मिस्टर गेल्सर इन, आई सेड नो सर, ही सेड नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, ओ यस Yes, yes, I said, but Mr. Gessler, oh, he answered, dead, but I only received these boots from him last Wednesday week. ठीक है, तो जब वो शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है और उससे मिस्टर गेस्लर के बारे में पूछा जाता है, तो वो बोलता है कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऑथर इतना शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वेडनेसडे को पिछले हफ्ते ही उन्होंने मिस्टर गेस्लर ने उन्हें बूट दिए थे। Ah, he said, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait, he lost everything, everybody. And there he had said, going on and on, I will say that for him, not a man in London made a better boot, but look at the competition, he never advertised would have the best leather too, and do it all himself, well there it is, what could you accept with his ideas. तो वहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि बेचारा, उसकी डेथ हो चुकी है स्टारवेशन से, मतलब भुखमरी से,
उसकी डेथ हो गई, वो कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं करता था, उसके पास इतना अच्छा लेदर था, इतना अच्छा वो बूट्स बनाता था, शूज़ बनाता था, लेकिन वो कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं करता था, और कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो सब कुछ खो बैठा था, ठीक है। बट स्टारवेशन दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज़, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी आई यूज टू वॉच हिम नेवर gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. तो यहाँ पर जो author है वो बोलता है starvation से किसकी death होती है, क्योंकि उसके पास तो boots के order आते थे, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है वो बोलता है कि of course वो पूरा दिन रात सिर्फ boots ही बनाता था, लेकिन जो leather है, जो boots है, वो हमेशा उधार पर लेता था, और उसकी वजह से उसका house भी बिक गया, उसकी shops पर बिक गई, and I know वो बहुत ही अच्छा इंसान था क्योंकि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था। और लास्ट में सिर्फ ऑथर क्या बोलता है, यस ही मेड गुड बूट्स, ऑफ कोर्स वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाता था। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर दैट इज़ क्वालिटी, देन यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।